इंसान की लाइफ में जब बुरा टाइम आता है ना, उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि उदास हो जाए, रोते रहो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जीना सीख लो, ये भी करते हैं काफी लोग, करने वाले। और तीसरा ऑप्शन है कि जीने के साथ साथ ना एक लक्ष्य भी सेट कर लो। थोड़ी तकलीफ होगी, उसके बाद जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी, क्योंकि तकलीफों में जब इंसान कुछ बड़ा सोचता है ना, उसके लिए मेहनत करता है, तो फिर इतिहास रच के ही मानता है। ये काफी कम लोग करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करें। इस धरती पर हर चीज हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। बाज जब बहुत ऊंचाई पर उड़ता है ना, उसका फोकस अपने शिकार पर होता है, जो बहुत ऊंचाई से ही अपने शिकार को तय करता है कि भैया मुझे इसका शिकार करना है। समुद्र पे, धरती पर कहाँ पे है, वहां पर उसे शिकार को पकड़ना है। बहुत तेज नजर होती है, और फिर वो समुद्र में डुबकी लगाकर अपने पंजे में शिकार को कैद कर लेता है। ठीक उसी ही इतिहास रचने के लिए आपको अपना फोकस अपने दर्द से हटाकर अपने गोल्स पर टिकाना होगा। आपका टारगेट आपको बदलना होगा, अपने मुसीबतों से, अपने दर्दों से हटा करके किधर करना है, अपने गोल्स की तरफ। आपने कितना बार सुना होगा कि मेरे पैर पसार ये जितनी बड़ी चादर हो, यही सीखते हैं ना हम लोग। अरे उस बंदे को पकड़ को जितनी इतनी छोटी चादर बना दी, और फिर चादर को बड़ा करना, और फिर अपने पैरों को आराम से लंबा करके सो। इतिहास रचना है तो पैरों को फोल्ड मत करो, बल्कि अपनी चादर का साइज बढ़ाओ। जितना मन करिए उतनी चादर बनाने की औकात होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि डू नॉट लिमिट योर सेल्फ। आप लिमिटेड वर्जन नहीं हो, आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वर्जन हो। इस बात को समझिए। आप अपने आप को लिमिटेड वर्जन क्यों समझते हो? क्योंकि आपको ऐसा समझाया गया है कि आपको ऐसा समझना है। जितनी हैसियत हो उतने ही सपने देखने चाहिए, या कुछ सिखाया गया। किन लोगों ने सिखाया है? जो खुद अपने आप को लिमिटेड मानते हो, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो खुद छोटे छोटे मतलबों से भरे हुए। एक शेर को बचपन से खिचड़ी खिलाओगे ना, तो शिकार करना कभी नहीं सीख पाएगा। शिकार करना भी तो भूल जाएगा, और भूल जाएगा कि मैं शेर हूँ। अगर आप उसको ये बोलो कि बचपन से कि तुझे एक दिन इस जगह पर राज करना है, राजा बनना है, क्योंकि शेर है, शेर का बेटा है, और फिर बेहतरीन से कार्य करना है, तो फिर वो अपना असली रूप दिखाएगा। इतिहास रचने के लिए आपको अपने दो सवाल पूछने चाहिए। पहला ये कि आप जी क्यों रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या आपके लाइफ में कोई मकसद है? और दूसरा ये कि क्या आप जिस मकसद के लिए जी रहे हो, क्या उस मकसद के बिना भी आप जी सकते हैं? आपकी लाइफ की इमेजिन है, कर सकते हैं उस मकसद के बिना? दोनों सवाल का जवाब पॉजिटिव आता है ना, तो इट्स मीन्स आपके दिल में वो चिंगारी है जो किसी भी दिन एक बड़ी आग का रूप धारण कर लेती है ना। आप इतिहास रच दो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस चिंगारी को आग में बदलने का जो सफर है ना, वो बहुत रोमांचक है, बहुत एडवेंचरस है। इसमें आपकी हर चीज की भूमिका है, इसमें हर वो इंसान की भूमिका है जो इंसान आज आप पर की जरूरत है, आपको डाउन करने की कोशिश करता है, आपसे केवल मतलब से जुड़ा हुआ है। जब सर्दियों की सुबह में बहुत ज्यादा कोहरा होता है ना, आप कैसे चलते हो? आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, आपको आगे का रास्ता दिखना शुरू होता है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते हो, आगे का थोड़ा थोड़ा रास्ता ही आपको दिखता है घने कोहरे में। मुश्किलों में ऐसा होता है, जब भी लाइफ में मुश्किल आती है ना, तो आप केवल थोड़ा सा आगे चलने के बारे में सोचो, बहुत बड़ा मत बनो, वहां से आगे बढ़ने की सोचो। दो कदम, पांच कदम, दस कदम, और ऐसे कर करके आप कितने किलोमीटर आगे आ जाओगे, अपने उदासी के बादल को हटाकर जिसकी वजूद को साबित करना होगा। जितने खूबसूरत आप है ना, उतने ही खूबसूरत आपकी जिंदगी, उतने ही खूबसूरत आपकी मंजिल, और उतना ही खूबसूरत आपका मुश्किलों से लड़ना। और वो मोमेंट सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा जब इस लाइफ में आपके लाइफ होगी, आप होगे, और आपके पास अपनी जिंदगी की वो मंजिल होगी जिसे आप पाना चाहते हैं। जीते जीते अपने आप को मंजिल के पास, मंजिल के ऊपर देखना, जहां पर आप अपना पहुंचना चाहते हैं। इस मोमेंट का मजा कुछ और है, क्योंकि समय के सामने बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इस छोटी सी जिंदगी में अगर चाहो तो एक वो कहानी लिख सकते हो जो बहुत लंबे समय से चलने वाली है। मूड आपका कभी नहीं करेगा, हमेशा आपका अपना शरीर कहेगा, यार थोड़ा और आराम कर लेता हूँ, बाद में कर लेंगे, हाँ खाली तुम ही रोक लेते हो अपने आप को। इतिहास रचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसान का स्ट्रगल, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखे। ये वो आईना है, वो दर्पण है जो आपको अपनी जमीनी हकीकत से जोड़ के रखता है, आपकी वास्तविकता को दिखाता है कि आप कहाँ से चलकर आए थे और आपके उस टाइम पर मकसद क्या था। आपको इतिहास रचने की तरफ खींच कर लेके जाता है आपको दर्पण, कि चल तेरी जिंदगी ये नहीं है जो आज जी रहा है, बल्कि जिंदगी वो है जो करना चाहता है, जो जीना चाहता है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ठान लो ना तो एक दिन जरूर बन जाता है। डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मुझे करना है, मुझे चैलेंज लेना है, मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी इतिहास रचने के लिए। जिस फील्ड में इतिहास रचना चाहते हो ना, उस फील्ड की बारीकियों को और खुद की कमियों को समझना पड़ेगा। दुनिया की निगेटिविटी को अपने आप पर हावी होने से बचना होगा।
हर ठोकर के साथ खुद को संभालना होगा, हर हार के साथ कुछ सीखना होगा, हर छोटी से छोटी जीत के साथ अपने आत्मविश्वास को बुलंद बनाना होगा। लंबे टाइम तक मेंटेन रखने वाली सक्सेस चाहिए ना, तो फिर लंबे टाइम तक एफर्ट्स भी मेंटेन करना होगा ना। तुम सोच के रहते रहोगे कि दुनिया की बातों पे, दुनिया इतनी बेरहम है तो तेरे बुरे हालातों में ना तेरा मजाक बनाना नहीं छोड़ेगी। खुद को बाज की तरह ताकतवर बनाओ, आसमान का राजा बनाओ कि कोई तेरी तरफ आंख उठाने की तरफ हिम्मत ना करे। पहले ऊंचा तो उड़ान होना सीखना होगा ना। बॉस हैली दुनिया के साथ कब तक सहोगे? आज इस तक कई लोगों के जिनकी आंखों में चुभ रहे होगे, दुनिया भी कम तक नहीं दिए, तुम्हें सबने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया होगा, सबने तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाया। जब तुम्हारी बारी आई ना तो सभी इधर उधर भाग गए होंगे बहाने मार अपनी मजबूरियां बता दी। फिर दुनिया से कब तक धोखा खाता रहेगा यार। पहली बार धोखा खाना गलती हो सकती, लेकिन दूसरी बार धोखा खाना तुम्हारी बेवकूफी है। इफ यू हैव द पावर टू थिंक देन यू हैव ऑल्सो हैव टू पावर टू अचीव इट। यह यकीन दुनिया तुम पे करे या ना करे, लेकिन खुद की मेहनत पर जरूर कर, प्रैक्टिस कर और तेरे बनाए गए रूल्स के साथ जीना सीख अपने स्वाभिमान के लिए। किसकी है ये जिंदगी? तुम्हारी है ना। सक्सेस को हासिल करना तुम्हारा हक है, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपना हक और जिम्मेदारी दोनों को अपने हाथ में थामे रख। तुझे अपने पैरों की जंजीरों को तोड़ कर खुद में एक जिंदा पतंग बनना है। तुझे अपनी आवाज उठाना है। इस मुश्किलों से तेरी आजादी का समय आ गया है, तो अब तू क्यों बैठा है? कौन आएगा तुझे उजालों को लेकर जाएगा? कब तेरा सही समय आएगा? इट्स ओनली यू माय डियर। जिंदगी बनके इतिहास रचना है, तुझे तो अपने अंधेरे रास्ते खुद ही रोशन करने होंगे, और वो समय आ भी गया है। कब तक चुप रहेगा? इतने दिन भले ही झुकना तेरी मुश्किल थी, लेकिन अब से झुकने का शौक मत बन। तू पहाड़ है, तुझे को कैसे झुकाएगा? तू एक समंदर है, जो कि कैसे सुखाएगा? तुझे क्या जरूरत है जमाने के साथ की? तू तो खुद में एक दबंग आवाज है, तेरे हर एक के आंसू को एक नई उमंग बन। जाना चाहता है तेरी औकात कितने दर्दों से लड़ने के लिए, जितने दर्द जितनी मुश्किलें शायद उस दुनिया में होगी भी नहीं। अरे तू सागर से भी ज्यादा गहरा है, फिर दुनिया के द्वारा फेंके गए लकड़ी से क्यों क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसे कब तक बैठा रहेगा? चल उठ, जिद पकड़ और जिद्दी बन के इतिहास रच। तुझे काहे कितने ही जुल्म सहे हो लाइफ में, लेकिन याद रखना एवरी एंडिंग इज अ फ्रेश न्यू बिगनिंग। तुझे उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन अपनी मेहनत से जिंदगी बड़ी बना ले, अपने मंजिल को निहार ले और खुद को निखार ले, और बन जाए एक सितारा तू, जिसे तू हमेशा के लिए जिंदा रहे और जिंदगी की बहुत एग्जाम देने। जिंदगी की हर एग्जाम में तू हारता आया है, लेकिन अब तेरे घाव पर मरहम लगाने का समय आ गया, अब तेरे खड़े होने का समय आ गया, अब सर उठाने का जीने का टाइम है, सब कुछ सहन करके पत्थर बनने का समय आ गया, पत्थर की तरह खुद को तराश कर मूर्ति बनाने का समय, अब तेरे मुस्कुराने का समय आ गया, अब खुद को छोड़ने का समय आ गया, अब तेरे पसीना बहाने का समय आ गया। चल उठ, खड़ा हो, अब तेरे दुश्मनों को रुलाने का समय आ गया। उठ, अपना काम कर, मेहनत करके जिद्दी बन के इतिहास रच, और इतिहास के देश में अपना एक दुनिया में देश का नाम कर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।